अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं जो कि मैंने अपने सासू माँ से सीखी और आप मुझसे सीख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। इसके लिए हम पहले एक कढ़ाई में तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमने लिया है सूखी मेथी, लेकिन इसको हमने धो के गीला कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो मसालों में है, हमने टमाटर काट लिए हैं, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च शामिल है और नमक हसबे ज़ायका। फिर हम कढ़ाई में जो तेल हमने गरम किया था उसमें हम अदरक लहसुन डाल के इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। और अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो हम कढ़ाई में एज इट इज़ डाल देंगे और उसके अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। टमाटर को हमने इतने अच्छी तरीके से भूनना है कि तमाम टमाटर जो है वो गल जाएं और कोई भी टमाटर साबुत ना रहे। सारे मसालों को भूनकर हमने थोड़ा सा हल्की आंच पर रख दिया था ढक्कन ढककर, और अब ये मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर दिए मूंग की दाल जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। बड़ा ही ज़बरदस्त एक कलर आ गया है पूरे मसाले के ऊपर, और अब हम दाल को पहले अच्छे तरीके से गलने देंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उतना ही रखेंगे जितना आप चाहते हैं कि दाल गल जाए अच्छी तरीके से। ज़्यादा गलाना है तो अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप उतना पानी डाल लें, हमें इतनी पसंद है तो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एक गिलास पानी डाला था। दाल को हम अच्छी तरीके से इतना भून लेंगे कि तमाम पानी जो है वो उसमें खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करने के बाद हसबे ज़रूरत पानी छोड़ दिया ताकि हम दाल को दम पर रखें और दाल हमारी रेडी हो जाए। अब ये दाल हमारी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और पक चुकी है। कितना खूबसूरत से इसका कलर लग रहा है दाल का, और ये बिल्कुल अब पक चुकी है, बिल्कुल रेडी टू ईट है।
और ये इसका फाइनल लुक है। मुझे बहुत ही पसंद है ये दाल और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।